हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, जिसके अंदर आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है LPU NEST। ओके, तो इससे आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कैटेगरी फर्स्ट में आपकी रैंक आ जाती है तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेंगी। पिछले वीडियो में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देखी थी, जिसके अंदर आपको कितनी फ़ीस है और वो सभी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में हमने देखी थी। तो इसके अंदर हम किस तरह से एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे ये देखेंगे, और साथ ही साथ आपको एक डिस्काउंट कूपन भी मैं दूंगा, जिससे आपको 800 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। जहां पर 1000 रुपीज़ फ़ीस है, वहां पर आपको 200 रुपीज़ ही पे करना पड़ेंगे बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 500 रुपीज़ फ़ीस है तो आपको बस 100 रुपीज़ ही पे करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद गेट OTP का ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर, ये OTP आपको डाल देना है। उसके बाद स्टेट आपका सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, और जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में आपको अगर UG के लिए एडमिशन लेना है तो आप 12th डालेंगे, और PG के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए तो आप यहाँ ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन जो भी है, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिलोसॉफी या बायोटेक्नोलॉजी, ओके, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे आप, तो थोड़ा सा आपको टाइम लेगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है तो फार्मेसी सेलेक्ट किया है PG का, ओके, ग्रेजुएशन फार्मास्यूटिकल साइंस, और प्रोग्राम के अंदर हम जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ नेम, सरनेम, जो भी है आपकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो है तो डू यू हैव LPU किट, ओके, तो यहाँ पर हमें नो कर देना है। ये किट जो है तो ये ऑफलाइन अवेलेबल रहती है, ओके, इसे नो कर दीजिए आप। उसके बाद डू यू वांट हार्ड कॉपी ऑफ LPU किट, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आपको जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो नीचे नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आप पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं डायरेक्टली फ़ीस, और आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया है वो यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं नो ही रहने दूंगा, विदाउट LPU किट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे, और अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, पहले पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे हम, ओके। तो यहाँ पर पहली स्टेप है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है, और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ की साइज़ जो है 1 MB से थोड़ी सी कम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होंगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो अपना एड्रेस डालना है पूरा डिटेल में, और जो है तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर देना है और व्हाट्सएप नंबर, ओके। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट डिटेल फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है, ओके। पे LPU फीस हमें बाद में करना है, लास्ट में, ओके। आप पहले भी पे कर सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी पे कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपको अपने 12th का ग्रेड परसेंटेज डालना है। अगर आप अपीयरिंग है तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ओके, जो भी है आपको आपके 10th के पूछा जाएगा अगर आप UG के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो, ओके। उसके बाद यहाँ पर कोर्स और सभी इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, यहाँ पर एब्रॉड या इंडिया से आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ से कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन डिटेल्स में आपको डालना पड़ेगा अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे तो, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है तो आपका
ट्वेल्थ का स्कूल कॉलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सिटी कौन सा है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप कर देना है। और उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपको आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर मुझे टोटल फ़ीस जो है तो ये हाँ वह 800 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल चुका है और यहाँ पर 200 रुपीज़ फ़ीस है। और सभी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।